अब ठाकुर जी विचार करें कि नरसी जी रे कने तो जानो ही है, पर उससे पहले ठाकुर जी एक गठड़ी ले रहे, खूब सारा कीमती महंगा कपड़ा डालकर श्रीरंग जी रे घर रे बाहर आवाज लगाओ। मानो कपड़े बेचने आते हैं ना, जब पता होता है किसी घर में शादी हो रही है ऐसी चीजों को, उस समय गांव के समय तो बाहर ही मॉल इत्यादि थोड़ी थे पहले कि भाई शॉपिंग करने जाए, बाहर ही लोग आते थे, कपड़ों के भी हो, साड़ियों के भी हो, गहनों के भी लोग आते थे, वहां जाकर सारे गहने दिखाते और सेठ जी इत्यादि सब पसंद कर। तो वो आवाज ठाकुर जी घर बाहर आवाज लगावे कि कपड़ो ले लो, कपड़ो ले लो, कोई मायरो भरो तो कपड़ो ले लो। तब नारायण जी घर में सबसे छोटा था, छोटो जो हुए तो खूब शौक हुए पहनने ओढ़ने रो, है ना। तो हेलो मारे सेठ जी थे दरवाजो खोलो, ठाकुर जी आवाज लगावे के हेलो मारे सेठ जी थे दरवाजो खोलो, अरे मायरो भरो तो कोई कपड़ा तो लियो। अब नारायण जी सुने तो नारायण जी भागे, दौड़ियो रे नारायणो देवर आगल दीनी खोल, अरे कहो जी सेठा जी थरे कपड़ा रो मोल। किता कहे बताओ अब सब, ठाकुर जी कोठड़ी खोले, लो भाई सब। ठाकुर जी कवे सवा हाथरा कापड़ा रा रुपया हजार, हजार रुपया सिर्फ सवा हाथ, तो साबुत कितना है। ठाकुर जी कवे साबुत था नारा कोई अंत ना पार। नारायण जी कवे इतना महंगा कपड़ा, अब ठाकुर जी कवे कि जब लेना ही नहीं था बुलाया क्यों, ले ही नहीं सको थे तो छोड़ो मैं जाऊं। अब नारायण जी थोड़ी बेइज्जती होगी, बेइज्जती होगी तब अच्छी नहीं। तब नारायण जी कवे इतना महंगा कापड़ा तो नरसी महतो लेसी। अब उनको क्या थोड़ा तमाशा होना चाहिए, मेरे बारे में ऐसे कह दिया तो कवे कि इतना महंगा कापड़ा तो नरसी महतो लेसी, अरे जारे कन्ने थोकड़ी से रोकड़ी गिन देसी। क्यों तो आंटी में लेर घूमे इतना कपड़ा रोकड़ा रुपया, वो तो तुरंत ही दे देसी, नरसी जी रे कन्ने जाओ। ठाकुर जी समझ गया कि जान मूझ के मेरे सामने मेरे ही भक्त। ठाकुर जी कवे हसन मुलक कर बोलिया छे हारी, अरे नरसी जी आया से काई मिलसिया तो सरी। के पहले बताना था नरसी जी कहाँ रुके, वो कठे उतारिया नरसी जी ने डेरा तो बताओ, अरे मिलवा की है चाह मने तुरंत मिलाओ। जो खेल खेला उल्टो ही पड़ गयो। तो तब नारायण जी समझावे, अरे नारायण जी कहे मैं तो मजाक कर रहे हो, भोलो छेरे बाणिया तू मूर्ख गवार, अरे नरसी से तो बाला कदे मत कीजे व्यवहार। नारायण जी कहे मैं तो मजाक कर रही हो, तो वो तो कुछ की को नहीं नरसी देखने, वो तो सब सब। ठाकुर जी कहे नरसी से तो बाला मारो पूरब लो व्यवहार। नारायण जी कहे कि तू कठे से जाने नरसी जी ने, यहाँ इधर उधर किसी ने बता दिया होगा कि वो धनवान है, तो धनवान वो बहुत वर्षों पहले थे, अब नहीं है, तुम्हें कहां से उनके बारे में पता चला, तुम कैसे जानते हो उनको। ठाकुर जी कवे नरसी से तो बाला मारो पूरब लो व्यवहार, और तुम पैसे की बात कर रहे हो, अरे देसी तो ले ले स्या, नहीं तो कर दे स्या उधार। ठाकुर जी कवे वो इतने बड़े आदमी हो, मेरे कपड़े ले, वही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, तुम पैसे की बात करते हो, मैं उधार कर दूंगा। ये सब करने का क्या मतलब था ठाकुर? ठाकुर जी नरसी जी की ऊंची बड़ी कर रहे हैं, क्या उसको कोई साधारण व्यक्ति मत समझो। नारायण जी तो चुप हो गया। ठाकुर जी का मैं तो जाऊं नरसी जी रे कने, कहां तुम्हारे पास आ गया, मुझे पहले पता होता नरसी जी आए, मैं आता ही नहीं यहाँ पर। और ठाकुर जी जावे, अब ठाकुर जी नरसी जी रे कने जावे, नरसी जी बैठड़ा है माटो हमें तक नहीं आयो। तब सूरदास जी कवे नरसी जी एक आवाज आवे,
नरसिंह जी कहे बोला बोला बैठा रहो नहीं, पहले ही टेंशन है, आवाज आवे। अरे नरसिंह जी एक हिंदी हिंदी आवाज आवे। नरसिंह जी कहे केड़ी हिंदी आवाज आवे? बोले रास्ता में आपकी गाड़ी टूटी नहीं? बोले हाँ टूटी। तो बोले कौन सुधारे हो? बोले वायो नहीं खाती, किसनो खाती, गयो तो लंबो गयो। बोले नहीं वो किसनो खाती रही आवाज आवे। नरसिंह जी कहे कटे सूजे थाने? अरे सूजे नहीं सुनी जे आवाज आवे। तब नरसिंह जी ऊंचा चढ़न देखिया तो ठाकुर जी सच में आ रिया था गाठड़ी उठा। नरसिंह जी कवे हम में आयो है, इत्ता रोया गाया नाचिया टांगई टूट गई, अमाने कोई जरूरत नहीं। आवत देखियो सावल नरसिंह बैठियो छेरी साई, अरे ले जा थारी गांठ तू तो आयो शर्म गमाए। कब से आवाज लगा रहा हूं, कितना समय हो गया, पर ठाकुर जी अब मना वे। सामी मेले गाठड़ ली अब उठो फिरे जाए, अरे नरसी जी ने सावरियो तो मड्याई मनाई। ठाकुर जी कवे हसन मुलक कर बोलिया छे हरी, पूरे ब्रह्मांड के जो मालिक है, अरे माय रो लाया छा नरसी देख तो सरी। नरसी जी तो खूब नखरो दिखावे, माडाणी दिखावण लाग्या आख्या लीनी मीच, अरे बोलियो नी सुहावे इन सू कान लिया भीच। कई जन कहे ना जाओ मन नहीं सुनो, फिर भी थोड़ी थोड़ी आवाज आती रहे। नरसिंह जी भी होशियार है, वो आवाज आती रहे। अब ठाकुर जी कवे ठीक है मैं भी बताऊं फिर। ठाकुर जी कवे मने पहले से ही ठा होती कि नरसिंह अड़ो नखरो दिखासी तो मैं अठे आव तो ही क्यों। चालन लाग्यो सावरियो जद गाठड़ी उठाई, अरे नरसिंह जी जानियो रे माटो लायोड़ी ले जाए। नरसिंह जी कवे मैं तो मजाक कर रही हो। ठाकुर जी कवे मैं भी मजाक कर रही हूं, चलो देर मत करो मैं महाराज। ठाकुर जी और सब नानी बाई घरे पहुंचे। अब घरे पहुंचे तो नानी बाई ऊपर ही, नानी बाई कवे देखो जी सासू जी मारे पीहर रो परिवार, अरे रथ में बैठो सावल भैयो हो जाया छेला, बीरा जी रे पाग ऊपर सेव रो झलके, और भोजा यारे शीश ऊपर चूंदड़ी चमके। ठाकुर जी आकर बैठे बैठे तो अब श्रीरंग जी लोग अभी तक तो नहीं पता कि भगवान है या इतना मायरा लेकर आए हैं, तो कोई इतना सम्मान नहीं कर रहा। ठाकुर जी खुद ही जाजम बिछाते हैं, जाजम यानी चटाई इत्यादि बैठने के लिए बिछा रहे हैं कि सब बैठेंगे। तो ठाकुर जी ने जाजम बिछाई है तो धरती ने सोचा कि कुछ ना कुछ स्वागत तो करना पड़ेगा, भगवान आए हैं ये तो सब इन्हें पता नहीं है कि सामने कौन है। तो धरती ने क्या किया, बैठा हरि जी जाजम ढाल नौ गज धरती दले चढ़े। भगवान के लिए सिंहासन धरती ने बना दिया, ये सिंहासन पर ही बैठते हैं भगवान, बैठते हैं बैठकर नानी बाई को अपने पास बुलाते हैं। भगवान कहते हैं कह दो बाई मनड़ेरी बात, बीरो जी पूछे हैं बहन ने किणविद बाई भरणो छे भात, किणविद करा पहरावणी। अब वो नानी बाई थोड़ा डरे कहीं क्या कह दू, मना सब कहेंगे कि भगवान आ गए तो कुछ भी मांग रहे। नानी बाई कवे रीत सारू भर दी जो भात, सरदा तो सारू पहरा, जो रीत है वैसा भर देना ठीक ठाक पहरावणी। ठाकुर जी कवे तू क्यों बाई मन में सकुचाय, मन मान्यो ली जो मायरो, सावल भैयो आयो थारे द्वार, कमी नहीं है कोई बात की। तब नानी बाई कवे
बडोडीसा सूजी ने सावटो वेश और धाय ससुरा जी ने जरिया हंदो खेस ससुरा जी ने ओडा दीजो लाल बनात और सासू जी ने वेश दीजो पूरी सात लिखिया रे परवाने दीजो सारी बस्ती किसी मेरे ससुराल वाले को नहीं पूरी बस्ती।